ये लेक्चर के बाद भी आपको आज का टॉपिक समझ में नहीं आता है तो इसका मतलब है आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है। लास्ट लेक्चर देख लेना तभी आज का टॉपिक समझ आएगा, नहीं तो आपकी गलती होगी, ना समझ में आया तो मुझे मत बोलना फिर से। चलो अब शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हार्ट फुलर डिबेट को लेकर। लास्ट लेक्चर को हमने खत्म किया था कि लॉ और मोरलिटी में डिफरेंस है, ये कहता है एनालिटिकल स्कूल। लेकिन नेचुरल स्कूल कहता है कि लॉ और मोरलिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों सेम है। एनालिटिकल स्कूल का व्यू पॉइंट आगे रखते हैं एचएलए हार्ट और नेचुरल स्कूल का व्यू पॉइंट आगे रखते हैं फुलर। तो इन दोनों में काफी डिबेट होती है इसी बात को लेकर, जिसमें एचएलए हार्ट बार बार यही कहते हैं कि लॉ और मोरलिटी में डिफरेंस है, बट फुलर कहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। देखो जी, एचएलए हार्ट क्या कह रहे हैं कि लॉ और मोरलिटी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। और ये कहते हैं कि ये बात अलग है कि मॉरेलिटी का लॉ के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत है, बट डज नॉट मीन कि इन दोनों में डिफरेंस नहीं है। किसी चीज का किसी के ऊपर इन्फ्लुएंस ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि दोनों चीजें ही एक है, देयर इज अ डिफरेंस, ये कह रहे हैं एचएलए हार्ट। फिर आगे ये कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लॉ इज लॉ, आप लॉ को ओबे कर रहे हो या ओबे नहीं कर रहे, दैट इज अ मॉरल क्वेश्चन। बट लॉ तो फिर भी लॉ ही रहेगा ना, चाहे वो मॉरल है या इमोरल है। और हाँ, अगर आप लॉ को फॉलो नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज इट इज इमोरल, देन वो एक फिलोसफिकल क्वेश्चन हो जाता है। बट लॉ चाहे मॉरल है या इमोरल, वो लॉ ही है, ऐसा कहते हैं एचएलए हार्ट। एचएलए हार्ट की बातों का फुलर ने भी आगे जवाब दिया। अब फुलर थे नेचुरल स्कूल के, तो ये क्या बात कहेंगे कि लॉ और मॉरलिटी सेम चीज है, तो इस बात को ये कैसे आगे रखते हैं, बोलते हैं कि लॉ तब तक लॉ नहीं है जब तक वो एक बेसिक कोड को फॉलो नहीं करता। आगे फुलर ना इस बात को एक एग्जांपल के साथ समझाते हैं, नाजी लॉज की एग्जांपल देते हैं। जो नाजी लॉज थे वो ज्यूइश पीपल के अगेंस्ट थे, तो फुलर कहते हैं कि क्या जो ये नाजी लॉज है आर दे इवन लॉज, जो किसी पीपल के अगेंस्ट हो, जो किसी के राइट्स को मार रहे हैं, आर दे इवन लॉज। हाँ, ये जो नाजी लॉज थे वो एक प्रॉपर अथॉरिटी ने कंडक्ट करवाए थे, लेकिन क्या इन्हें लॉ की कैटेगरी में रखा जा सकता है। आगे एचएलए हार्ट कहते हैं कि आप नाजी रिजाइन के बारे में बात कर रहे हो, नाजी रिजाइन इज एन एक्सेप्शन, मॉरलिटी को तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। लेकिन आगे फुलर कहते हैं इवन लॉ कैन नॉट बी डिफाइंड। फुलर कहते हैं कि अगर हम लॉ को डिफाइन नहीं कर सकते, मॉरलिटी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो फिर इसके बीच में डिबेट करना इज पॉइंटलेस। अब डिसाइड कौन करेगा कि मॉरेलिटी है क्या, क्योंकि हर बंदे के हिसाब से मॉरेलिटी तो डिफरेंट होती है। तो इसीलिए फुलर ने 8 प्रिंसिपल्स ऑफ लीगैलिटी दिए, जिसमें से उन्होंने ये सारे प्रिंसिपल्स के बारे में बात करी कि जो लॉज होते हैं वो जनरल नेचर के होते हैं, सबके ऊपर अप्लाई होते हैं, पब्लिकली प्रमल्गेटेड होते हैं एंड प्रोस्पेक्टिव होते हैं, मतलब आपके फ्यूचर कंडक्ट के ऊपर ही होते हैं। अगर आज से लॉ एप्लीकेबल है तो आपको आज के आगे आप कुछ गलत करोगे उसकी सजा होगी, पिछले आज से लॉ एप्लीकेबल है, पिछले साल जो आपने किया गलत उसकी सजा नहीं होगी इस लॉ के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये होता है प्रोस्पेक्टिव, एटलीस्ट मिनिमली क्लियर और इंटेलिजिबल होने चाहिए, फ्री ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए, और ये पॉसिबल हो कि हम उन लॉज को ओबे कर सकें और उन्हें अच्छे ढंग से एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। अब फुलर ने तो ये कहा था ना कि हु विल डिसाइड मॉरेलिटी क्या है, तो उसके लिए उन्होंने ये 8 प्रिंसिपल्स दिए। बट आगे जो हार्ट होते हैं वो कहते हैं आप इन्हें मॉरेलिटी बोल रहे हो, नहीं ये तो मॉरेलिटी नहीं है, दीज आर जनरल मीन्स ऑफ एफिशिएंसी। तो इन दोनों की लड़ाई आगे चलती रहती है, इसी तरीके से वर्ड्स वॉर होती है। तो आप बताइए कि आपके हिसाब से एचएलए हार्ट सही कह रहे हैं या फुलर सही कह रहे हैं। एनी हाउ, लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर दीजिए, पेड नोट्स आर अवेलेबल इंस्टाग्राम पर, कॉन्टेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।